Good morning, all dear students. I am Harshad Vishwakarma from Eduverse, a smart way of learning. And today I will discuss the second chapter of NCERT book named The Thief of Story. And it is the second part of Footprints Without Feet. And in this chapter, the main character is Hari Singh. And how does Hari Singh accept the friendship of Anil? And we will discuss about this. Okay, students. So, students, ये जो story है, ये written by है Ruskin Bond. ये Ruskin Bond ने लिखी हुई है. इसके जो writer हैं, वो Ruskin Bond हैं. और Ruskin Bond में ने इस story में जो बताया हुआ है. इस टाइप से एक्सप्रेस किया हुआ है जैसे कि जो थीफ है वो अपने बारे में बता रहा है स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जो हरि सिंह है, हरि सिंह कैसे अपना नेम बदलकर उसे बताता है और अपना नेम बताता है हरि सिंह, और कैसे वो अनिल पर अपना ट्रस्ट बना देता है और कैसे उसके घर में चोरी करता है स्टूडेंट्स. तो मैं आज आप लोगों को इस चैप्टर की समरी बता देता हूँ जिससे कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए चैप्टर एक्सप्लेन करने में. तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की समरी. सबसे पहले इस चैप्टर में क्या होता है कि मैं इस टाइप से मान लेता हूँ कि मैं हरी हूँ और मैं अनिल से मिलना चाहता हूँ, या फिर मैं चोरी करने का मैंने प्लान कर रखा है. तो मैं अपनी स्टोरी खुद एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो मैं उस टाइम बताता हूँ मैं क्या था. जब सपोज़ उस टाइम पर मैं अभी भी चोर ही था और जो मेरी एज थी अप्रॉक्स 15 ईयर्स की एज थी. तो और मैंने क्या सोचा कि मैं कैसे भी करके किसी ना किसी पर्सन से कॉन्टैक्ट करूँगा. और मैं झूठ बोलने में माहिर था, मैं कॉमनली झूठ बोलने में माहिर था. और जल्दी से मैं क्या करता था, किसी भी पर्सन को अट्रैक्ट कर लेता था. जब मैं किसी भी पर्सन को अट्रैक्ट कर लेता था और उसकी बातों में अपनी बातों में उसको उलझा देता था. तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि एक पर्सन था अनिल, वो रेसलिंग मैच देख रहा था. जब मैंने उसकी ओर अट्रैक्शन क्रिएट किया या फिर उससे मिलने की कोशिश की, और उसकी जो एज थी अप्रॉक्स 25 ईयर्स थी, और मैंने उससे बातें करना स्टार्ट किया. और मैंने उससे कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जो रेसलिंग मैच है बहुत ज़्यादा पसंद है. और वो जो अनिल था वो पतला था, तो उस मैंने उससे कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम रेसलिंग भी अच्छे से कर लेते होगे. तो मेरा पर्पज़ ये नहीं था मैं उसको इरिटेट करूँ, मैं उसको सिर्फ अट्रैक्ट करना चाहे. तो उसने भी मेरे लिए ही कहा हाँ तुम भी थोड़ा सा रेसलर लगते हो, जबकि मैं उससे भी ज़्यादा वीक था. अब फाइनली क्या होता है कि मैं उससे थोड़ा सा धीरे धीरे बातें करना स्टार्ट करता हूँ और उसको फॉलो करता हूँ. तो फाइनली क्या होता है, वो उसको उससे जब बातें करता है, मैं जब उससे बातें करता हूँ, तो बातें करते करते क्या होता है कि मैं उससे कहता हूँ मुझे कुछ काम नहीं आता है, तो अगर आप चाहें तो मुझे आप अपने काम पर रख सकते हैं. तो फाइनली वो कहता है हाँ तुम क्या काम करना चाहते हो. वो कहता है नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बस मैं तुम्हारे साथ. तो वो कहता है ठीक है तुम मेरे घर पर रहने लगो और मैं तुम्हें बट कोई भी सैलरी नहीं दूंगा. तो मैंने तो सोच रखा था कि हाँ कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं इसके यहाँ से चोरी कर लूँगा और मेरी जो सैलरी होगी वो मैं निकाल. धीरे धीरे क्या होता है, वो कहता है कि मैं तुम्हें धीरे धीरे करके सारी चीज़ें सिखा दूँगा. जब वो सारी चीज़ें सिखाने के लिए बोलता है वो ठीक है मैं आपको सिखा दूँगा. अब धीरे धीरे मैंने क्या सोचा कि मैं इसके घर पर रहूँगा. अब जो वो क्या करता था, मुझे धीरे धीरे उसने लिखना पढ़ना भी सिखा दिया, मैं धीरे धीरे उससे बातें भी करता रहा. तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा, ये रस्किन बॉन्ड बता रहा है मैं थीफ बनकर कि हाँ मैं अनिल के पास कैसे गया, कैसे मैंने उससे बातें की और कैसे उसकी ओर अपना अट्रैक्शन क्रिएट किया. स्टूडेंट इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा. अब इसके बाद क्या होता है, जो रस्किन बॉन्ड है, रस्किन बॉन्ड बता रहे हैं थीफ के बारे में कि जो मैं हूँ, मैंने क्या किया, मैंने धीरे धीरे उसकी ओर अट्रैक्शन क्रिएट किया, उससे बहुत अच्छे से बातें करता रहा और उसका मेरे ऊपर कम्प्लीटली ट्रस्ट हो गया. कभी कभी क्या होता था, वो मुझे घर की चाबी भी दे के जाने लगा. और लास्ट में क्या हुआ कि वो मुझे जब लिखना पढ़ना सिखा दिया उसने, तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे लिखना पढ़ना सीखता रहूँगा तो मैं तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, स्टार्टिंग सीख रहा हूँ अभी. तो फाइनली मैं क्या करता था, जैसे कि मैं खाना बनाने का टाइम हुआ या फिर मैं कोई भी सामान लेने गया तो मैं उसमें से कुछ ना कुछ पैसे बचा लेता था. और कभी इस बात के लिए अनिल ने मुझसे पूछा भी नहीं कि हरि आपने कितने पैसे बचा लिए, कुछ भी नहीं पूछता था. हालांकि जो अनिल था उसे इस बारे में पता था कि हाँ ये पैसे कुछ बचा लेता है. तो बट मैंने भी इस बात को, मैं तो सोचता था कैसे भी करके थोड़े थोड़े मैं बचा लेता था ना. अब वो क्या करता था अनिल,
जो मैगजीन्स होती थी उनको राइट करता था और उनको मार्केट में बेच देता था। अब शाम को क्या करता था, वो फाइनली कुछ पैसों को लाता था और उन्हीं पैसों को धीरे धीरे करके एंजॉय कर लेता था। और मैंने सोचा कि अगर ये ऐसे एंजॉय करता रहेगा तो हमें लग रहा है ये मुझे सैलरी भी नहीं देगा। तो फाइनली एक दिन क्या होता है, उसकी जो बुक होती है वो पब्लिश होती है और वो कुछ पैसे लेके आता है, वो कुछ पैसे लेके आता है। जब वो पैसे लेके आता है तो मैंने ये सोचा कि ये जो पर्सन है ये जैसे हमेशा क्या करता है, ये पैसे लेता है और शाम को उड़ा देता है, एंजॉय कर लेता है। तो फाइनली मैंने सोचा मैं कैसे भी करके इन पैसों को चुरा लूँगा और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो जैसे कि अब मैंने सोचा कि आप किसी भी पर्सन के लिए चोरी कर सकते हो, लेकिन अगर मैं अनिल के साथ चोरी कर रहा हूँ तो अनिल को इस बात के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैंने उसके यहाँ चोरी की, बल्कि उसे इस बात के लिए प्रॉब्लम होगी कि मैंने उसका विश्वास तोड़ दिया है। रीज़न क्या था कि एक जो ग्रीडी पर्सन होता है उसे लूटना, लालची आदमी उसे लूटना सरल होता है क्योंकि वो लूट सकता है, उसको वो उस चीज़ को सहन कर सकता है, हाँ उसे लूट। बट अगर कोई भी आदमी केयरलेस ना हो, केयरलेस हो कैसा हो, केयरलेस हो, बिल्कुल भी अटेंटिव ना रहता हो, उसको लूटना बहुत ज़्यादा टफ होता है क्योंकि कभी कभी तो वो यह भी ध्यान नहीं देता है क्योंकि वो केयरलेस है, पता ही नहीं चलता उसकी ये चीज़ खो गई या फिर उसकी चोरी हो चुकी है। तो इस बात से भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि मैं अगर अनिल के साथ चोरी करता हूँ तो अनिल को ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि चोरी हो गई, वो एक्सेप्ट कर लेगा हाँ चोरी हो गई, लेकिन उसे उससे ज़्यादा इस बात का दुख होगा कि मैंने उसके साथ धोखा दिया। और फाइनली क्या होता है, मैं रात में बहुत ही हिम्मत करके उसके बेड के नीचे जाता हूँ और उसके ब्लैंकेट के नीचे से बड़े आराम से हाथ को स्लिप करते हुए पैसे निकाल लेता हूँ। और मैंने सोच रखा था कि मैं फाइनली क्या करूँगा, 10:30 पे जो लखनऊ की जो ट्रेन आएगी मैं उसको पकड़ लूँगा और फाइनली वहाँ से निकल जाऊँ। और धीरे धीरे क्या होता है, मैं उसमें से कुछ पैसे निकाल, सारे पैसे मैं उठा लेता हूँ और निकल, और मैं क्या करता हूँ पजामे का जो नाड़ा होता है उससे मैं बांध लेता हूँ उन नोटों को। और फाइनली जब उनको मैं पैसों को जब मैं बाहर आया, रास्ते में आया तो बारिश भी हो रही थी, तो मैंने उसको निकाला, पैसों को अकाउंट किया तो ये अप्रॉक्स 50-50 के 600 रुपीज़ थे। कितने रुपये थे, 600 रुपये थे। और मैं अगर चाहता तो इन पैसों से करीब एक 1 वीक और 2 वीक तो मतलब 15 डेज तक बहुत ही अच्छे अमीर व्यापारी की तरह रह सकता। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा स्टेशन पर, तो फाइनली क्या हुआ, मैं जनरली टिकट लेता नहीं था, ये हरी सिंह अपने बारे में बता रहा है, याद रखिए स्टूडेंट। तो मैं जब टिकट नहीं लेता था तो मैंने सोचा कि मैं इस बार भी नहीं लूँगा, और डायरेक्टली मैं प्लेटफॉर्म में पहुँच गया। तो जैसे ही ट्रेन वहाँ से जा रही थी तो मैं चाहता तो उस ट्रेन पर चढ़ जाता, मैं चाहता तो उस ट्रेन पर चढ़ जाता, लेकिन मैं नहीं चढ़ा। क्यों नहीं चढ़ा पता नहीं, क्यों मुझे खुद नहीं पता कि मैं उस ट्रेन पर क्यों नहीं चढ़ा। मैं वापस आया और उस प्लेटफॉर्म पर बैठा रहा और अकेला था। अब मैं किसी पर्सन को भी नहीं जानता था जिसके यहाँ पर मैं चला जाऊँ। अब मेरे मन में यही बातें चल रही, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी वहाँ पर ड्रिजलिंग भी, बूंदाबांदी भी हो रही थी। ये जो टाइम पीरियड था नवंबर मंथ का टाइम पीरियड था, हल्की सी बारिश भी हो रही थी और मुझे सर्दी भी लग रही थी, और मेरी जो बॉडी में शर्ट और पैंट्स थे वो पूरी तरह से चिपक चुके थे, और अगर कहीं से हवा भी चल जाती थी हल्की सी तो सर्दी लगने लगती थी। तो फाइनली अब मैं सोच रहा था अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, और मुझे ये प्रॉब्लम मन में ये बात कंटिन्यूसली खाई जा रही थी कि मैंने उसको धोखा दिया है, अनिल को धोखा दिया, और अनिल इस बात के लिए उसे प्रॉब्लम नहीं हुई उसकी चोरी हुई है, बल्कि उसे इस बात की प्रॉब्लम होगी कि मैंने उसका विश्वास तोड़ दिया है। और फाइनली मैं क्या करता हूँ, सब कुछ बातें सोच के वापस उसके अपने घर जाता हूँ, और अभी रात में ही मैं जाता हूँ और बड़े आराम से पैसों को नीचे रख देता हूँ उसके। जैसे कि आप जानते हैं पैसों को चुराना तो बहुत कठिन होता है, लेकिन पैसों को बिना चोरी के पकड़े, बिना चोरी के पकड़े पैसों को वापस उसी जगह पर रख देना, ये बहुत बड़ी बात होती है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये बात समझ में आई तो मैं यहाँ से मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ। जैसे ये देखिए उसको लिखना और पढ़ना सिखा रहा है स्टूडेंट, और इसके साथ में अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ से देखिए पैसे निकालता है और वापस वो पैसे कैसे रखता है, इस चीज़ को समझिएगा स्टूडेंट। तो फाइनली मैंने धीरे से पैसे जो थे मैंने वहाँ पे रख दिए, और मॉर्निंग में क्या होता है,
अब मॉर्निंग में जब मैं सुबह लेट जागा तो जो अनिल था मेरे लिए पहले उसने चाय बना ली थी, और जैसे ही मैं आया तो उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया और उसकी जो फिंगर्स थी उनके हाथों हाथ में कहते 50 रुपये का नोट था। अब मैं बहुत घबरा गया, कैसे मैं जो है परेशान हो गया। मुझे लगा कि उसकी जो मेरी जो पैसों की जो चोरी मैंने की है वो क्या हुआ, वो पकड़ी गई है। तो उसने कहा मॉर्निंग में कि मैंने कुछ पैसे कमाए थे उसमें से आप रख लीजिए, और मुझे उसमें से उसने कितने रुपए दिए, 50 रुपए दे दिए। अब मेरे अंदर एक्साइटमेंट बहुत बढ़ गया। अब मैंने जब पैसा लिया, जो रुपए जो नोट था 50 रुपीज़ का, वो मैंने लिया, तो मेरे मन में ये चल रहा था कि ये जो नोट है ये गीला था, तब तो ये पक्का कन्फर्म से पता चल गया होगा कि नोट उसने सूखे रखे हुए थे, ड्राई रखे हुए थे, और वो गीले कैसे हो गए। जब नोट गीले हुए हैं, आप लोग तो समझ रहे हैं इस बात को, जब नोट गीले हो गए हैं तो वो क्या सोचेगा कि नोट तो गीले हो गए हैं, अब इनको कैसे करा जाए। तो फाइनली क्या होता है कि वहाँ पर वो समझ जाता है कि पैसे चोरी हुए थे, वापस रखे गए। अब उसने उससे कहा आज से हम वर्ड सीखते थे, अब हम सेंटेंसेस को लिखना स्टार्ट करेंगे। लेकिन वो इस बात को ज़रूर जानता था, फिर भी ना ही उसके होठों ने और ना ही उसकी आइस ने, ना ही उसके लिप्स ने इस बात को शो होने दिया कि हाँ उसको पता चल गया है। मैं जैसे कि हर बार अनिल को देख के हंसने की कोशिश करता था, लेकिन आज मैं अनिल को देखकर उसी टाइम पर बिना किसी अट्रैक्शन के हंसा और मुझे अपने आप में स्माइल फील हुआ। तो स्टूडेंट कैसा लगा आपको आज की स्टोरी, अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है कमेंट करके बताइए स्टूडेंट्स कि हाँ सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। स्टूडेंट्स आप इसे चैप्टर के तरीके से मत पढ़िए, आप इसे सिर्फ स्टोरी के तरीके से पढ़िए स्टूडेंट्स, मैं गारंटी ला रहा हूँ आपको याद हो जाएगा। स्टूडेंट्स कैसा लगा आज का लेक्चर कमेंट करके ज़रूर बताइए स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।